हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली कल मंथ 16 रॉयल पास आने वाला पबजी मोबाइल के अंदर। और देखते ही देखते बीजेएमआई यूजर विदाउट एनी रॉयल पास बोल सकते हैं 1 महीना पार कर लिए। तो इसी को बोलते हैं टाइम के साथ से एडजस्ट करना। और मुझे लगता है 4 साल में पहले बार ऐसे हुआ है कि आप सीजन 1 के बाद डायरेक्टली अब जाके विदाउट रॉयल पास आप गेम को खेले होंगे। बहुत लोग ब्रेक ले लिए होंगे, बहुत लोग शिफ्ट हो गए होंगे। तो यही है टाइम का खेल, लाइफ ऐसे ही चलता है। कुछ चीज़ रहता है तब हम लोग को लगता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ चीज़ चल जाता है तो स्टार्टिंग में बहुत ख़राब लगता है, पर धीरे धीरे हम लोग यूज टू हो जाते हैं। तो वही चीज़ आपको देखने को मिला। मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग जो खेलते भी है ना, वो कभी भी रॉयल पास के लिए कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो लोग यूज टू हो गए, उन लोग कुछ करने का नहीं है। अगर आज रॉयल पास होता तो बहुत लोग बोलते भाई इधर ग्लीच है, रिवॉर्ड बेकार है। बीजेएमआई यूजर का भी ये टेंशन ही नहीं है, रिवॉर्ड बेकार हो अच्छा हो फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा ही नहीं। तो यही चीज़ का मैं नोटिस किया। लिटरली 1 महीना और 1 महीना हम लोग को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग का कुछ आइडिया होगा कि कुछ होने वाला है कि नहीं है गेम में। और उसके बाद तो आपको पता ही चल जाएगा फ्यूचर क्या होने वाला है। वैसे आज मैं आपको 1/16 रॉयल पास दिखाने वाला, बट बीजेएमआई यूजर टेंशन मत लो, मैं आप इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ कंपैरिजन करना था 2 गेम से रिलेटेड, इसी चलते मैं आपको रॉयल पास दिखाऊंगा। और ये वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग 1/16 नहीं देखने वाले, जो जो बंदे देखना चाहते हैं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, आप स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, ये रॉयल पास पहले मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद मैं बता दूँ क्यों मैं आपको रॉयल पास वाला वीडियो ला के दिखा रहा हूँ। इधर आप देख पे रैंक 1 में कल डीजे डांसर सेट हम लोग को मिलने वाला, उसके साथ UMP 45 का एक स्किन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब मैं ये रॉयल पास इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मंथली वाला सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल, तो मुझे उम्मीद था कि ये मंथ वाला जो सिस्टम जब रॉयल पास में आ रहा था, ये लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ मेजर जो मंथ होता है, जैसे आप देख पर अक्टूबर के मंथ में हेलोइन होता है, उसके साथ साथ दिसंबर के मंथ में विंटर होता है। तो मंथली वाला रॉयल पास में ये फायदा है कि वो पूरा पर्टिकुलर मंथ का एक थीम वाला रॉयल पास हम लोग को दे दिया जाए। बट जब से ये बोल सकते मंथली वाला रॉयल पास आया, पबजी मोबाइल ऐसा करने की कोशिश भी नहीं किया। ये गेम को और भी बहुत इंटरेस्टिंग कर सकते थे, बट मुझे नहीं लगता कि ये लोग को खुद को इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो भी रॉयल पास आया ना, वो लोग अपने ही थीम में जो मन किया वो कर दिया है, उतना खास भी नहीं। इवन जो मोड आता है, जो गेम मोड ये लोग डालते हैं, वो मोड का भी थीम से ये लोग कनेक्ट नहीं करते रॉयल पास को। जैसे रैंडमली कोई बंदे को बोल दिया कि रॉयल पास बनाओ, तो वो लोग कोई भी थीम उठा के डाल देते हैं और कोई भी सेंस नहीं बनता। मैं बहुत ही जल्दी एक थीम वाला रॉयल पास या सर्वाइवल पास का वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुत सारा गेम क्या करता है, ये रॉयल पास हो या सर्वाइवल पास हो या बैटल पास हो, वो थीम के साथ कनेक्ट करता है। और जब थीम के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट होता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए वो सब पास सब खरीदते हैं। देखो, ये जो रॉयल पास वाला कॉन्सेप्ट है पबजी मोबाइल से ही स्टार्ट हुआ, बाकी सब गेम्स ने उसी को अडॉप्ट किया। बट करेंटली पबजी मोबाइल का सबसे खराब हालत है एज कम्पेयर टू जितना भी गेम अपना अपना पास दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको पता है ये अक्टूबर का मंथ है, तो ये जो मंथ 16 का रॉयल पास देना चाहिए था लोगों, आपको पता है फिर 3-4 महीना से वही सेम रिपीटेड, केवल नंबर चेंज कर रहा है। मतलब आप देख रहे हो ना गेम में कैसे वो लोग खुद से इंटरेस्ट चल जा रहा है डेवलपर का, लोगों में कोई भी डिजाइन चेंज नहीं है, वही पुराना लोगो है। उसके साथ साथ हेलोइन का वीक में हेलोइन का कोई भी सामान आपको नहीं दिखाया जा रहा। नो डाउट ये रॉयल पास का रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, बट थीम जरूरत पड़ता जब आप रॉयल पास का बात कर रहे हो, आप कुछ भी चीज़ जो ऑडियंस को देना चाहते हो जो कि अफोर्डेबल है। बाकी क्रेट में तो आप दे रहे हो हेलोइन क्रेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हेलोइन क्रेट कौन खरीदता है भाई, मैक्सिमम लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो बोल सकते हो रॉयल पास में थोड़ा सा दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। खैर, वो चीज़ पर्सनल प्रेफरेंस है कंपनी का, बट ये मेरा ओपिनियन था, मैं आपको बता दिया। और इसी के बीच में आपने कुछ बेहतरीन इमोट्स भी देखा, जो कि फ्री वाला इमोट काफ़ी अच्छा लग रहा, उसके साथ साथ आपको पेड वाला कुछ आइटम आपको दिखाई दिया, जो कि कैसा लगा आप लोग कमेंट करना 1/16 रॉयल पास का। वैसे भी जेएमआई यूजर को नहीं मिलने वाला, बट मैं आपको दिखा दिया कि 1/16 रॉयल पास ऐसे आने वाला, जो कि अलग ही थीम होने वाला। इसमें कोई भी आपका बोल सकते हैलोवीन थीम देखने को नहीं मिलता। इवन मोड जो चल रहा है गियर फ्रंट मोड, उससे भी कनेक्टेड ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा दिया। तो चलो अभी मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ एक और गेम का रॉयल पास या बैटल पास या सर्वाइवल पास, जो भी बोल दो, वो थीम से रिलेटेड है। और इवन क्राफ्टन का भी आप न्यू स्टेट को देखेगा ना, वो कहीं ना कहीं हेलोइन थीम से रिलेटेड ही पास निकालता है। कभी कभी विंटर जब होता है, विंटर थीम से रिलेटेड ही पास निकालता है। मतलब खुद का ही क्राफ्टन का गेम है, दूसरा गेम इतना अच्छा कर रहा है, और जो गेम में एक्चुअली ज़्यादा ऑडियंस है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ऐसे ही गेम चल रहा है लिटरली। भाई क्या ही मैं बोलूँ। खैर, अभी हम लोग आ जाते हैं, इधर आप देख पर हम लोग बीजेएमआई हैं। फटाफट से मैं आपको COD मोबाइल ले जाता हूँ, बहुत दिन के बाद मैं आपको COD का कुछ दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, अभी हम लोग चलेंगे एक COD मोबाइल के अंदर। COD मोबाइल के एक्चुअली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप मंथली रॉयल पास जब निकाल रहे हो तो ऐसे किस्म का कुछ बनाओ, तब जाके लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। वो COD मोबाइल से भी सीख सकते हो। दूसरा बहुत सारा गेम है जो कि थीम बेसिस में सब कुछ देता है। तो इधर आप देखो, सबसे पहला चीज़ जैसे आप लॉग इन किए COD मोबाइल में, तो आप देखे क्या,
आपने डेफिनेटली एक चीज नोटिस किया कि ये जो गेम है इसमें ऑलरेडी हेलोइन थीम या हेलोइन लॉबी लगा के दे दिया गया है। इसमें हम लोग को यूसी या फ्री में स्पिन स्पिन करने के लिए नहीं बोल रहा भाई। एक लॉबी जो होता है साल में एक बार आता है, वो फीलिंग देने के लिए हम लोग को लॉबी वॉबी जो होता है थीम होता है वो फ्री में दे दिया जाता है, सो दैट हम लोग को वो वाइब्स आए जो एक्चुअल मंथ चल रहा था। इधर आप देखो हेलोइन वाला हम लोग को विदाउट एनी इक्विप कोई भी क्रेट ओपनिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप देख पा रहे हेलोइन लॉबी गेम के अंदर आ चुका है और लॉबी लिटरली बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो ये होता है थीम के साथ चलना, ठीक है। वैसे पबजी मॉल के अंदर भी लॉबी है हेलोइन वाला, बट आपको पता है वो कैसे मिलेगा। उसके साथ साथ अभी हम लोग आते हैं पास के अंदर, जिसके चलते एक्चुअली आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो है इसमें बैटल पास बोला जाता है, रॉयल पास नहीं। तो इसमें हम बैटल पास में क्लिक करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका ये दिखा देता हूँ ट्रेलर, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बता रहा था कि थीम के साथ चलना बेटर। अभी आपको पता है हेलोइन का थीम है, इधर हम लोग वॉच करेंगे, ठीक है। इधर आप देखो, तो इधर आप देख पर कुछ आइटम जो आप देख पर जो थीम है हम लोग का हेलोइन वाला वही थीम आपको दिखाई दे रहा है। गन स्किन दिखाई दे रहा है, वैसे आप लोगों को गन उतना पता नहीं होगा कौन सा गन इसमें यूज़ होता क्या क्या है, बट मैं आपको थीम दिखाने के लिए एक्चुअली ये वीडियो बना रहा था और वो चीज़ आप देख पा रहे हो, पूरा पूरी हेलोइन थीम आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन में, ठीक है। और इधर आप देखिए ये सीजन 9 है, इसका थीम है जॉम्बी आर पैक, ठीक है। तो यही मैं चीज़ बता रहा था कि देखो ये लोग थीम के साथ चलते हैं। अभी नवंबर में आएंगे, दिसंबर में देखना विंटर थीम से रिलेटेड आपको एक बैटल पास दिखेगा, तो इस तरह के वर्क करता है, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं। इधर आप देखो इतना सारा गन्स मिलने वाला है और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपने इन्वेस्ट किया ना अमाउंट, वो इन्वेस्ट वाला अमाउंट वापस आ जाता है, जैसे बीजीएम में पबजी में होता था। तो ये दो तरह का पास आपको दिखाई दे रहा है और आपको इसका मतलब खरीदना नहीं है, मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ। अगर आप खेल दो तभी खरीदना, नहीं तो खरीदने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं आपको दिखा रहा कि कैसे ये हेलोइन थीम से रिलेटेड आपका ये पास दिख रहा है। इधर आप देख पा रहे गन्स भी आपको यही किस्म का दिख रहा है, पायरेट वाला थीम में थोड़ा बहुत। उसके साथ ये फ्री रिवॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इवन आप देख पा रहे कुछ कैरेक्टर का आउटफिट्स है, उसके साथ ये फ्री कुछ रिवॉर्ड्स है। सीपी आप देख पा रहे हो ना, एक करेंसी है, जैसे कि बताया कि आप जो खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हो वो वापस भी मिल जाएगा, उस तरह का है। फ्री में भी कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। इधर पैरासूट आप देख पा रहे फ्री में है और इसमें कुछ इधर आप देख पा रहे कुछ ऑर्नामेंट है। उसके बाद आप देख पा रहे हो ये डॉग, मतलब ये एबिलिटी है, इसको इसका भी स्किन आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ सीपी वापस से ये आपको फ्री स्किन मिलने वाला है, ये म्यूटेंट जैसा लग रहा। उसके साथ साथ ये सिकल जैसा कुछ है, ये भी स्किन है ना क्या है मुझे आइडिया नहीं है। ये आउटफिट हम लोग को मिलने वाला, उसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे कुछ और आइटम आपको देखने को मिल रहा। ये बैनर है, मतलब पोस्टर जैसा आता है ना, ये पोस्टर आपको बैटल पास में देखने को मिलेगा। और पूरा पूरे अगर आप इसको देख रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो पूरा पास है ये एक्चुअली एक थीम बेसिस में है जो कि हेलोइन थीम से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ऐसे नहीं कि आपको एग्जैक्टली हेलोइन थीम का ही देना है, बट जैसे कि आपको देख पा रहे कि ये थोड़ा सा पायरेट थीम में दिया जो कि वही किस्म का लग रहा जो एक्चुअली में अभी मंथ चल रहा है, ठीक है। इधर फ्रेम दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारे गन्स भी आपको फ्री में स्किन्स मिलने वाला। वैसे इसमें ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, बट अगर ये गेम ज़्यादा बोल सकते फेमस होता ना तो इसमें बहुत ही कम पैसा में इसका बहुत सामान मिल जाता। तो वैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसका सेकेंड जो वेरियंट आने वाला है वॉर्जन मोबाइल, ये उससे ज़्यादा फेमस होगा, ज़्यादातर लोग उसमें खेलेंगे और ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये बैकपैक आपको दिखाई दे रहा है, अब देख पर वही थीम का आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, यही मेन मोटिव था। इधर आप देख पर बेहतरीन बेहतरीन स्किन आपको दिखाई दे रहा है और ये स्किन तो लिटरली बहुत अच्छा लग रहा भाई, बैटल पास में आपको देखने को मिल रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बीच बीच में दूसरा गेम भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर जाकर थोड़ा चीज़ देखोगे ना, एक्सप्लोर करोगे ना, तब पता चलेगा कि कौन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन एक्चुअल वैल्यू दे रहा है। ऐसे आप डाई हार्ट फैन हो मुझे पता है, बट अगर आप खुद भी दिमाग लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा हद तक ये इम्प्रूव कर सकता है अपने गेम को। इधर आपके कुछ कैरेक्टर है, आउटफिट है और बहुत सारा रिवॉर्ड है, इसका 50 लेवल तक ही शायद आइटम है। यस, जैसे हम लोग का बीजेम के अंदर 50 लेवल तक, इसमें भी 50 लेवल तक है और इसमें भी आप आइटम देख पा रहे हो, कितना सारा आइटम है। इमोट्स भी आपको दिखाई दे रहा है, ओके ये इमोट्स है। उसके साथ साथ और भी स्किन्स आपको दिखाई दे रहा है, तो किस तरह का स्किन आप देख पा रहे हो यही चीज़ को दिखाने के लिए एग्जैक्टली मैं ये वीडियो बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप देखो कि कैसे थीम बेसिस में भी पास बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि पबजी वाले के पास टैलेंट नहीं है स्किन बनाने का, भाई पबजी के पास सबसे हाई एंड बोल सकते हैं स्किन बनाने का डेवलपर है, वो तो आप देखते ही होंगे पेड वाला क्रिएट में, बट फ्री वाला के मामले में तो आप देख ही पा रहे हो वही पुराना गन्स को रिपीट करते हुए जा रहा है, क्या ही बोलूं मैं। खैर कोई नहीं, ये मैं आपको दिखा दिया, कैसा लगा कमेंट करना। उम्मीद करते फ्यूचर में हम लोग थीम बेसिस में कुछ पास देखे बोल सकते हो पबजी मोबाइल के अंदर और उससे लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो चलो इतने रखते वीडियो को, होपफुली आपको कुछ नया देखने को मिला। इस तरह का मैं कोशिश कर रहा हूँ न्यू चीज़ दिखाने के लिए, बीजेम का तो क्या ही करूँ मैं, अभी कुछ कर नहीं सकते। जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो आपको इस तरह के कंटेंट देखने को मिलेगा घुमा फिरा के, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।